नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सूर्यवंशी धमाका पर। तो साथियों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक क्षत्रिय समाज के ऐसे युवा से जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी ख्याति पाई है। तो आइए इन्हीं से इनका हम परिचय जानना चाहते हैं। जी आदर जी, आपका परिचय बताएं। मैं ठाकुर संदीप सिंह अर्घवंशी, अर्घवंशी क्षत्रिय महासेना का अध्यक्ष, लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी आदर जी, ठाकुर संदीप सिंह अर्घवंशी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आपने अपना परिचय दिया अर्घवंशी क्षत्रिय महासेना का अध्यक्ष जी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज के समय में अनेकों क्षत्रिय संगठन बने हुए हैं, तो आपने अपना संगठन किस लिए तैयार किया है, आपके संगठन का क्या उद्देश्य है? या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अपने संगठन में होने से पहले क्या किसी और संगठन से जुड़े थे, इसके बारे में। मैं पहले कई संगठनों, क्षत्रिय संगठनों से भी जुड़ा था, जैसे दादा अम्मूपाल जी का करणी सेना, उसके बाद दादा महिपाल सिंह मकराना जी का राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का, सीआईटी से प्रभारी उत्तर प्रदेश का पद पे कार्य भी किया है। और कुछ समय के बाद में हमने खुद स्वयं इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप लोगों को आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा अर्घवंशी क्षत्रिय समाज है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग में सेकेंड नंबर पर आ रहा है। जो हमारे क्षत्रिय समाज है, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है, और इसमें समाज को हमारे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कुछ अन्य समाज के लोग हैं जो हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज में, अब उनको हम ये भी नहीं जानते कि वो हमारे समाज के हैं कि गैर समाज के हमारे समाज में आए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे टाइटल हमारे समाज का यूज करके हमारे समाज को ही गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस संगठन का मतलब निर्माण किया है। इस संगठन के माध्यम से हम समाज को एक नई चेतना देने के कार्य कर रहे हैं, एक नई चिंगारी देने के कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारा समाज अपने बारे में, अपनी पहचान के बारे में जान सके, और अपने इतिहास, गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सके, जिससे उसको पता चल सके कि हमारे समाज के कितने राजा महाराजा हुए हैं। और एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि यही हमारा अर्घवंशी क्षत्रिय समाज सन 1990 से 1993 के बीच में मुलायम सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा इस समाज को और कुछ अन्य जातियों को लेकर सामान्य से पिछड़े वर्ग में उनको डाला गया था। सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक के कारण उसको दिखाया गया था कि इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो यही वही क्षत्रिय समाज है जिसका गौरवशाली इतिहास है, आज पिछड़े वर्ग में ये फटफटा रहा है, तड़प रहा है। जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, उसी तरह से आज समाज ये तड़प रहा है। क्षत्रिय समाज को जो है इस तरह से तोड़ा गया है कि आज पिछड़े वर्ग में डाला गया, जिसकी एक पहचान ही खत्म कर दी गई है। तो अर्घवंशी क्षत्रिय महासेना का एक ही उद्देश्य, एक इसकी पहचान स्थापित करना और समाज को जागरूक करना, समाज के लोगों तक इसका गौरवशाली इतिहास पहुंचाना, अन्य क्षत्रिय भाइयों तक अपना इतिहास पहुंचाना, यही अर्घवंशी क्षत्रिय महासेना का प्रथम उद्देश्य है। बहुत अच्छा सराहनीय कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। तो आदरणीय, मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो अपना संगठन बनाया है, तो सिर्फ इसमें अर्घवंशी क्षत्रिय समाज को जोड़े हैं या सर्व क्षत्रिय समाज को साथ लेकर चल रहे हैं? और जरा हमें बताएं कि जो क्षत्रिय समाज के महापुरुष हैं, इनका इतिहास चोरी हो रहा है, तो इस पर कुछ प्रकाश डालें। अर्घवंशी क्षत्रिय महासेना समस्त क्षत्रियों को लेकर चल रहा है, समस्त क्षत्रियों के लिए काम भी कर रहा है। और रही महापुरुषों के इतिहास के बारे में, तो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे क्षत्रिय भाई या अन्य समाज के लोग भी जानते हैं कि हमारे क्षत्रिय समाज के राजा महाराजाओं का इतिहास भी चोरी किया जा रहा है। बाकायदा इतिहास तो चोरी किया जा रहा है, लेकिन क्षत्रिय समाज का देखा जाए तो टाइटल भी, सिंह जो है वो भी चोरी किया जा रहा है। अभी अनेक प्रकार की हम सोशल मीडिया पे आइडियाज जब देखते हैं, जिसमें लिखा है सिंह, टाइटल लिखा है कोई मनोज सिंह या राघव सिंह, इस प्रकार से आइडिया बनी हुई है, और वो खुद क्षत्रिय समाज का ही विरोध करते हैं। जब उनके अंदर हम लोग घुस के देखते हैं, उनके बारे में जब पता करते हैं, तो ये पता निकल के आता है, सामने आता है कि वो हमारे क्षत्रिय समाज के हैं ही नहीं। तो इस प्रकार से भी हमारे क्षत्रिय समाज को गुमराह किया जा रहा है। और मैं सर्विस समझ क्षत्रिय समाज से कहना चाह रहा हूँ कि अपना जो रियल टाइटल है सिंह, उसको अपनाओ, क्योंकि जब तक आप सिंह नहीं अपनाओगे, तब तक आपका कोई वजूद नहीं है। जात सूचक अपना टाइटल अवश्य अपनाइए, लेकिन सिंह जो रियल टाइटल है वो भी अपनाइए, जिससे अन्य समाज के लोग हमारे क्षत्रिय समाज का टाइटल ना यूज कर सकें। हमारे क्षत्रियों को, समाज को तो गुमराह किया जा रहा है, जैसा कि हमने अभी बताया है, और हमारे अर्घवंशी क्षत्रिय समाज को भी गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंकिंग के चक्कर में और राजनीति के चक्कर में। हमारे समाज के खुद ऐसे कई लोग विभूतियाँ हैं जो हमारे समाज को खुद गुमराह कर रही हैं, समाज को सही दिशा नहीं दे पा रही, समाज को सही आईना नहीं दिखा पा रही, जो पहले दिखाया जो आज नहीं दिखा पा रहे हैं, और जो आज दिखा रहे हैं जो पहले नहीं दिखाया। तो यही चीज़ एक समाज को काफ़ी तरीके से गुमराह किया जा रहा है, कई प्रकार से, कई एंगलों से उसको तोड़ा जा रहा है, उसको डिवाइडेशन किया जा रहा है,
तो इस अर्कवंशी क्षत्रिय महासेना का गठन इसीलिए हुआ है कि इसमें जो एकता है वो ना टूटे, और एकता हम अपने समाज में एकता लाने की कोशिश करेंगे, इस संगठन के माध्यम से जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे, शिक्षा पे कार्य करेंगे, और हम गरीब कन्याओं की शादी में भी अभी 2 वर्षों में हमने मतलब 2 कन्याओं के गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग भी संगठन के द्वारा किया है, समाज के पूरे सहयोग से किया है, और अन्य भी प्रतिवर्ष कोशिश हम लोग करेंगे। हम क्षत्रिय महासेना का एक उद्देश्य है कि प्रतिवर्ष हम गरीब कन्या की शादी में जो भी हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा, हम लोग समाज के सहयोग से अनुदान देंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी प्राप्त करके। तो आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से भाई साहब का संगठन है अर्कवंशी क्षत्रिय महासेना, तो इनका यही उद्देश्य है कि सर्व क्षत्रिय समाज की एकता को जोड़कर सर्व क्षत्रिय समाज को साथ लेकर चलना और बिखरा हुआ इतिहास लोगों तक पहुँचाना एवं जो गरीब कन्याएं हैं या जो भी हैं उनकी सहायता करना, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है जो अभी तक हमारे समाज को गुमराह किए हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन भी करता हूं, पहले कर भी चुका हूं, लेकिन आने वाले समय में ना हम आपसे निवेदन करेंगे ना आवेदन करेंगे, सीधे लीगल एक्शन लिया जाएगा अर्कवंशी क्षत्रिय महासेना के द्वारा। उस समय सामने चाहे कोई नेता हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, A to Z कोई भी हो, चाहे गैर समाज का क्यों ना हो, यदि हमारे अर्कवंशी क्षत्रिय समाज को कोई भी गुमराह करने की कोशिश करेगा उस पर लीगल एक्शन हम लोग लेंगे और कोर्ट से डायरेक्ट कोर्ट से कार्रवाई कराएंगे, उस पर जो हो सकेगा हम लोग कार्रवाई उचित कार्रवाई कराएंगे यदि हमारे अर्कवंशी क्षत्रिय समाज को आज के बाद में गुमराह करने की कोशिश की गई। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो साथियों, देखा आपने कि जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि इनका संगठन जो है सर्व क्षत्रिय समाज के लिए कार्य कर रहा है, बिखरा हुआ इतिहास जोड़ रहा है, लोगों तक जन जन तक इतिहास पहुँचाया जा रहा है एवं लोगों की सहायता भी की जा रही है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।